एंड मेरी सारी फोटोज सक्सेसफुली रिकवर्ड हो चुकी हैं, गैलरी में आप सभी देख लो। कैलकुलेटर हाइड ऐप डिलीट फोटो रिकवरी। दोस्तों यदि आप अपने डिवाइस में कैलकुलेटर हाइड एप्लीकेशन को यूज करते होंगे तो आपकी अगर इसमें जो है फोटोज वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया, ऐसे हम इसको रिकवर करना चाहते हो तो कैसे आपको रिकवर करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आप सभी को पता है बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन जिसका नाम है कैलकुलेटर हाइड। एंड इसके अंदर लोग जो गाइस क्या करते हैं, अपनी फोटोज़ को डालकर इसकी वॉलेट में और वो वहाँ पे डिलीट कर देते हैं, फिर रिकवर नहीं होती। तो इस सिचुएशन में गाइस आपको बताऊंगा कैसे बहुत ही आसानी से आप अपनी जितनी फोटो भूल चुके हैं इसमें अंदर डाल के और डिलीट कर चुके हैं और रिकवर करना चाहते हो तो कैसे करनी है। देख लो मेरे पास दो डिवाइस हैं, दोनों डिवाइस में बताने वाला हूँ एंड ये सभी डिवाइस के लिए होने वाली है। लोगों को क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे अपनी जो है इंपॉर्टेंट फोटोज वीडियोस को छुपा तो देते हैं इसके अंदर और छुपाने के बाद उसको डिलीट भी मार देते हैं इसके अंदर, फिर उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। या फिर एक कंडीशन आती है कि लोग इस एप्लीकेशन के अंदर फोटो डालकर उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं, फिर जब जाते हैं इसको इंस्टॉल करने एंड पासवर्ड डालते हैं तो उनकी फोटो वगैरह दिखती नहीं है। ठीक है, तो कैसे आपको इसमें भाई रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए कि भाई हमने अपने एंड्रॉइड डिवाइस में एक हाइड यू कैलकुलेटर लॉक एप्लीकेशन आती है जिसको आप कैलकुलेटर हाइड एप्लीकेशन बोलते हैं, इसको यूज करते थे फ्री फायर को छुपाने के लिए। बट हुआ क्या, लोग ना अपनी इसके अंदर वीडियोस फोटोज छुपा के भूल गए और इसको एप्लीकेशन का पासवर्ड वगैरह भी कह ले कि यहाँ पे डिलीट कर दी और ऐसे में उनकी जितनी फोटोज वीडियो थी वो भी चली गई। अब कैसे रिकवर करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों देख लो मेरे पास दो डिवाइस हैं, दोनों में ही बताने वाला हूँ ये है एप्लीकेशन। ठीक है, आप भी इसको यूज़ कर चुके होंगे या फिर करते होंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मैं खुद अपनी इसके अंदर फोटोज़ को रिकवर कर चुका हूँ सक्सेसफुली। तो चलो गाइस यार वीडियो को कर लेते हैं शुरू एंड आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करके बताते हैं कैसे गाइस आपको अपनी कैलकुलेटर हाइड एप्लीकेशन जो आती है उसके अंदर वॉलेट के अंदर अपनी फोटोज़ को डिलीट कर चुके हैं तो रिकवर कैसे करना है। एंड यहाँ पे मैं सक्सेसफुली रिकवर भी करके दिखा दूंगा गाइस यहाँ पे, एंड मैं कर भी चुका हूँ। तो चलो यहाँ पे लेके चलते हैं आपको मेन टॉपिक की तरफ। एंड वैसे गाइस बहुत ही मुश्किल बताते हैं लोग इसको, बट इतना मुश्किल है नहीं तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो मैंने बड़ी कर दी है। बट इसके अंदर आपको डिटेल के साथ पता लगने वाले कई चार पाँच तरीके पता चल जाएंगे आपको, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपनी किसी भी फोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर कर पाओगे। ठीक है, फिर चाहे आप चाहें इस एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल गए हो या फिर एप्लीकेशन डिलीट कर चुके हो या फिर गाइस आकर जाके इसके वॉलेट के अंदर का आप जो पासवर्ड रीसेट कर चुके हो, कुछ भी कंडीशन है बहुत ही आसानी से रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को कंटेंट खोजने में एंड प्लस यार यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन जो मैंने खोजा बहुत ही टाइम लग गया। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक है मैं जस्ट यहाँ पे 100। एंड जी हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो लोग भाई इसमें फंस चुके हैं अपनी फोटोज़ वीडियोज़ को डालकर और भाई नहीं पता लग रहा है कैसे रिकवर करें तो उनको शेयर कर देना। ठीक है, तो देख लो ये वाली एप्लीकेशन जिसका नाम है हाइड यू कैलकुलेटर, 50 मिलियन डाउनलोड है भाई। देख लो यही एप्लीकेशन 50 मिलियन यानी कि देख लो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 50 का भाई देख लो करोड़ों से भी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। पता नहीं कितने लोगों की भाई यहाँ पे फोटोज वीडियो चली जाती हैं अंदर और उनको पता नहीं लगता भाई कैसे रिकवर किया जाए, पूछते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यही एप्लीकेशन आप प्रोसेस चालू करता हूँ मैं स्टेप टू स्टेप। ठीक हो, सबसे पहले जाके भाई आपको क्या करना है इस एप्लीकेशन को अप टू डेट कर लेना, क्योंकि अपडेट कर लोगे फिर यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर लोगे तो इसके अंदर जैसे कोई न्यू फीचर ऐड हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। कई बार क्या होते हैं पुराने यूज़ कर रहे होते तो उसमें भी ग्लिचेस आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले भाई अपडेट कर देना। मेरा ऑलरेडी अप टू डेट है इस डिवाइस में तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, तो देखो मैं दो डिवाइस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों दोनों डिवाइस में करूँगा। कई बार कहते हो कि भाई मेरे पास एक लो जीबी रैम डिवाइस था इसमें वर्क नहीं किया, तो इसलिए सभी के डिवाइस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले चले जाओ इस एप्लीकेशन को ओपन करो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ या इसमें ऐड वगैरह आती तुम देख लेना। ठीक है, तो इसको मैंने देखो पासवर्ड यहाँ पे रखा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐड किया, अब ये ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे यार ऐड आएगी मुझे पता है, देखना तुम। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा स्किप कर देते हैं, इसके अंदर बताता हूँ कैसे आपको स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, स्किप नहीं करूँगा मैं वीडियो और तुम भी मत करना क्योंकि यहाँ पे अगर स्किप करके देखोगे फिर समझ नहीं पाओगे आप स्टेप को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई ना फोटो यहाँ पे एक ऐड करता हूँ इसके अंदर जाके, सबसे पहले एक फोटो ऐड करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फोटोज़ पे जाता हूँ। ठीक है, फोटोज़ पे चला गया और यहाँ से मैं कोई फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रेना वाला जो सिंबल है ना इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखूंगा इस यहाँ पे आ रहा है, मैं भी लेटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई है हाइड। अब लोग क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ से इस वाले फोल्डर से डिलीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे गए और इसको देखो यहाँ पे एक आ रहा है अनहाइड, यानी कि मैं अनहाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, माना कि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी, एक ये कंडीशन होती है, एक होती है कि लोग भाई एप्लीकेशन ही डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी ये भाई कैसे रिकवर करना है वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेगी। ठीक है, अब आपको ऐसी में दो तरीके हैं जिनको आप रिकवर कर सकते हो। नंबर एक है गाइस, आप सभी इसी को ओपन करो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देख लो ओपन किया, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसी के अंदर एक फोल्डर मिल जाता है जो कि आप अपडेट के बाद मिला है। ये वाला तरीका देख लो, अगर ये नहीं वर्क करता दूसरे वाला तो 100% वर्क करता है। चाहे जितनी भी आपकी एप्लीकेशन फोटोज वीडियो सब डिलीट है ना, सब आप रिकवर कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रैश नाम की ये वाली मिल जाती है। देखो अब इसके अंदर देखोगे मेरी जो दो फोटो डिलीट हुई थी ये यहाँ पे पड़ी हैं,
बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये आप 15 दिन तक ही निकाल सकते हो। जैसे कि 8 डिलीट की, तो आज के बाद जो है ना 15 दिन तक ही आप देख निकाल पाओगे, वापस रिकवर कर पाओगे। अगर 16वें दिन आओगे तो यहाँ पे सारी चली जाएंगी, ठीक है। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिन मिलते हैं रिकवर करने के, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से भी रिकवर कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे रिकवर आ जाएगा, रिस्टोर करोगे तो देख लो भाई लोग, यहाँ पे हमारी एक फोटो तो सक्सेसफुली रिकवर हो गई है, ठीक है। आप मान के चलो ये वाली पड़ी, आप इसको कैसे आपको रिकवर करना है, मान के चलो दोस्तों यहाँ पे मेरी दूसरी फोटो है जिसको मैंने रिकवर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप दूसरा मेथड क्या है, एक तो वहीं से रिकवर कर लेना। अब मान के चलो काफ़ी समय बीत गया, 15 दिन भी निकल गया आपके पास, समय निकल गया 15 दिन, भाई कैसे आपको रिकवर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाते हैं, एंड ये वाला ट्रिक जो है बहुत ही बढ़िया, ये सभी लोग अप्लाई कर लें। इसमें आपको एक एप्लीकेशन की हेल्प लेनी जिसका नाम है फाइल मैनेजर, ये वाली देख लो। अभी बताऊंगा भाई फाइल मैनेजर के नाम के आपके बहुत ही एप्लीकेशन मिल जाएंगी। देखो एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, आपको मैं बताता हूँ इसकी थोड़ी पहचान बताता हूँ। ये है शाओमी की तरफ से है, ठीक है, देख लो यहाँ पे शाओमी की तरफ से है, और इसकी जो है मैं आपको रेटिंग वगैरह दिखाता हूँ, थोड़ी आइडेंटिफाई कर लेना। इसके 1 बिलियन डाउनलोड है, ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 बिलियन, 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए बिलियन, ठीक है भाई। तुम देख लो ये वाली, इसकी रेटिंग 4.5 है। ये एप्लीकेशन का आइकन थोड़ा सा देख लो शाओमी, ये कंपनी नेम देख लो तुम, ठीक है, शाओमी INC, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ना, देखो ये कंपनी ने इतने सारी एप्लीकेशन बनाई है, ये वाली, ठीक है। तो तुम इसी की तरफ जाना, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन देख लो, इसको आप ओपन करना, ठीक है, और मत कोई शोर करना, यही वाली वर्क कर रही है, ठीक है। तो ओपन करो, ओपन करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाओ, आपको इन लाइंस पे क्लिक करना है, कर दिया। अब आपको देखो यहाँ पे एक नीचे मिलेगी सेटिंग, इस पर क्लिक करो। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये गाइस इस तरीके से आपका टर्न ऑफ होगा, ये वाला, तो इसको आप टर्न ऑन कर लेना, ऐसे टर्न ऑन हो गया। अभी आप इसको बैक करो, बैक करने के बाद अब आपको मेन काम क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है ये वाला, एक घड़ी बनी है, ये सर्च बना है, इसके सर्च से पहले ये वाला आइकन बना, इस पर क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिकली टॉप पे फोल्डर मिलेगा, देखो यहाँ पे आ रहा है .don't delete me, my hide you, ठीक है, देख लो यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ये गाइस एप्लीकेशन इतनी खासियत रखती है ना कि भाई ये ऑटोमेटिकली बता देती है, ठीक है, देख लो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे मिलेगा फोल्डर, ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ओके पे क्लिक करो। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर देखो कुछ इस तरीके से मिलेगा, अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर जाके फाइल्स का फोल्डर मिलेगा ये वाला, इस पर क्लिक करो। अब इसके अंदर ये वाले पे क्लिक करो, एच पे। अब इसके अंदर अंदर जाते जाते आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आई पे क्लिक किया, डी पे क्लिक किया, ई पे क्लिक किया, U0। अब देखो ये सारी गाइस आपकी फाइल हैं जो आपकी डिलीट हुई हैं जी। तो आप कहोगे भाई ये तो दिख ही नहीं रही हैं, बट अभी बताता हूँ कैसे दिखेंगी। ये दोस्तों आपकी सारी इमेज फोटोज़ वीडियोज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक फोटो डिलीट की थी ना दोस्तों, वो यहीं पे मिल जाएगी मेरे को, वो कैसे आप देखो। तो फॉर एग्जांपल मेरी ये वाली है, तो इसको गाइस अगर आप चाहोगे ना ओपन करने, तो ये ओपन नहीं होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे ओपन होगी। तो इसको ओपन करने के लिए भाई ऐसे आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ रिकवर भी कैसे करना है। यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको आएगा रीनेम, क्लिक करो। अब आपको इसको रीनेम करना है, रीनेम में क्या करना है कुछ इस, तो जैसे ही आप सभी रीनेम पे क्लिक करोगे सबसे पहले इसको कट कर देना। अब इसको रीनेम क्या करना है, ताकि आपकी फोटो दिखने लगे, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से लिखना जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। a.png लिखो, ठीक है, देख लो यहाँ पे स्पेस वगैरह मत देना, जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है a.png, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, एंड जैसे ही करोगे देख लो गाइस आपके सामने यहाँ पे हमारी जो है फोटो आ गई। देख लो ये जो मैंने डिलीट की थी ना, आप सभी ने देखा भी था मेरी गैलरी में फोटो पड़ी थी वहाँ पे, जो मैंने डिलीट की थी हाइड यू एप्लीकेशन के अंदर जाकर, और वहाँ से मैंने रिकवर नहीं कर पाया था। तो देख लो भाई आपके सामने यहाँ पे फोटो आ गई है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको चाहे जितनी फोटोज वीडियोज है सभी को आपको ऐसे ही लिखना है a.png, या फिर लिख लो b.png। भाई देख लो मैंने जो लिखा है, और मत कुछ लिखना, नहीं तो काम नहीं बनेगा, नहीं तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी, वो फाइल में रहेगा, आपकी इमेज नहीं दिखाएगा। तो देख लो इस तरीके से भाई मैंने डिलीट की थी, अभी यहाँ पे रिकवर हो चुकी है, ठीक है, शो कर गई। अब आप क्या करो, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ भाई, लिखना क्या है, a.png, b.png, ऐसा कुछ लिखना, ठीक है। तो यार a.png लिखोगे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल आप कहोगे भाई इसको शेव कैसे किया जाए गैलरी में, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आ रहे मोर के आइकन, ठीक है, मोर पे क्लिक करोगे तो आप भाई यहाँ पे इसको जो है यहाँ से मान ले जाना कहीं, आप जो इसको मूव कर सकते हो, जैसे कि मूव करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली अपनी इंटरनल स्टोरेज में ले जाके जहाँ आपका डाउनलोड फोल्डर है डिवाइस का, वहाँ पे जाके पेस्ट कर लो। जैसे कि मैं डाउनलोड पे जाके यहाँ पे इसको इजीली पेस्ट कर दूंगा, मेरी पेस्ट हो जाएगी। एक ये तरीका, अगर ये नहीं करना, देख लो गाइस यहाँ पेस्ट करूँगा तो हो जाएगी गैलरी में, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो आप एक और तरीका कर सकते हो, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो, एंड यहाँ पे सेंड पे ले जाके इसको सेंड कर सकते हो। जैसे कि आप किसी को कॉन्टैक्ट में शेयर करना चाहते हो, किसी की ईमेल पे देना चाहते हो, व्हाट्सअप पे देना चाहते हो, तो वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो। तो मतलब दोनों ही तरीके आपके पास। ये वाला बढ़िया सबसे तरीका जो मुझे लगा, ये गाइस शाओमी एप्लीकेशन की जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगा जो आपको मैंने बताया, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, यही से a.png वगैरह लगा के इसका
बट ध्यान से देख लेना, दोबारा देख लेना वीडियो अगर समझ ना आई हो, बट स्किप मत करना कि नहीं तो फिर कहो मेरा काम नहीं बनना, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप जो अपनी हाइड व्यू एप्लीकेशन की, जिसको हम बोलते हैं भाई कैलकुलेटर, उसके अंदर अगर आपकी कोई फोटो वगैरह डिलीट हो जाती तो बहुत आसानी से भाई आप रिकवर कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बता ही दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, एंड मैं डेफिनेटली आपके लिए दूसरी वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। और वैसे ही आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, पहला मैंने क्या बताया है कि आपको जो हाइड व्यू यानी जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है उसी के अंदर जाना, ट्रैश फोल्डर मिलता है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ भाई, आप कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रैश व्यू मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है इसको ओपन करो, इसके अंदर आपको ट्रैश वाला एक मिल जाता है, ठीक है यार। इसके अंदर ना ऐड बहुत आती है इसलिए मैं बार बार नहीं दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसके अंदर एक ट्रैश मिल जाती है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ इसी के अंदर, ठीक है, उसमें जाके मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पर ना मिले तो आप सभी को जो मैंने बताई है कि जैसे आप सभी को यहाँ पे इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप जो है जाओ प्ले स्टोर पर, और तो भाई आप सभी लोग यहाँ पे फाइल मैनेजर जो कि मैंने आपको बताई, यहाँ पे फाइल मैनेजर दोबारा से दिखा देता हूँ, इसी के अंदर जाके आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना है। और मैंने पहचान क्या बताई, देख लो शाओमी की तरफ से होगी ये वाली, ठीक है, ये 1 बिलियन इसके डाउनलोड है, ठीक है। तो आप ये वाली देख लेना, इसके अंदर जाओगे तो मैंने जैसे वैसे प्रोसेस बताया वो आप फॉलो कर लेना, फिर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। समझ गए होंगे आप, एक तो ट्रैश के अंदर जाके ढूंढ लेना, नहीं तो भाई आप फाइल मैनेजर वाला प्रोसेस कर लो। तो इस तरीके से भाई आप 2023 में अपनी कैलकुलेटर हाइट जो आपकी एप्लीकेशन आती है उसके अंदर अगर कुछ भूल जाते हैं डिलीट करके फोटोज वीडियो, तो इस तरीके से भाई रिकवर कर सकते हो। आई होप मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ यार कॉमेंट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने लोग भी इस हाइड व्यू एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं उनको शेयर कर दो कि भाई अगर आप परेशान वाली होने वाली बात नहीं है, इस चीज़ को देखो आपको पता लग जाएगा कैसे आपको रिकवर करना है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।